नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 फरवरी से टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। ऐसे में किस खिलाड़ी को टीम में जगह मिलेगी, भारत का कौन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होगा, इस पर भी बातचीत लगातार चल रही है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत का प्रदर्शन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में रहा है वो काफी शानदार था बतौर बल्लेबाज, लेकिन बतौर विकेट कीपर पंत बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हो पाए। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही पंत अपने गुरु एमएस धोनी से मिलने पहुंचे थे, ये भी बात हमने आपको बताई थी, और उन्होंने काफी लंबे समय तक एमएस धोनी से कीपिंग के गुर भी सीखे। अब बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत की हेल्प के लिए खुद एमएस धोनी आगे आए हैं और वो अब ऋषभ पंत को ट्रेनिंग भी देंगे। बताया जा रहा है कि एमएस धोनी ने पंत को काफी समय तक समझाया और उसके बाद पैर की पोजीशंस और ग्लव्स की पोजीशंस ये सारी चीजें उन्हें बताई। यहां तक कि अभी बताया जा रहा है कि धोनी ने अपनी किटबैग भी जो है ऋषभ पंत को दिया है, हालांकि उसका वो इस्तेमाल करेंगे या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये एक बात अच्छी है कि एक खिलाड़ी जो संन्यास ले लेता है अभी भी भारतीय क्रिकेट को उस अपना योगदान देना चाहता है, और स्पेशली ऋषभ पंत जिन्हें कि अब एमएस धोनी का उत्तराधिकारी दोबारा से माना जाने लगा है। हम सभी जानते थे कि पंत का प्रदर्शन कैसा था, लेकिन वो आड़े टेढ़े शॉट्स मारकर आउट हो जाते थे, प्लस उन पर किसी ने कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं दिखाया था, टीम मैनेजमेंट ने भी उनको साइड करके रखा था, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने आप को साबित किया और अब हम ये कह सकते हैं कि ऋषभ पंत इज बैक विद अ बैंग। और अब अगर उनकी थोड़ी बहुत विकेट कीपिंग की चीजें ठीक हो जाती हैं तो उनकी तारीफ फिर हर कोई करेगा। हालांकि रिद्धिमान साहा ने भी पंत को डिफेंड किया, उन्होंने ये बात साफ कही कि कोई भी पेट से सीख के नहीं आता है, जो बिल्कुल फेयर एनफ है। पंत अभी 22-23 साल के हैं, अभी सीख रहे हैं, उनका करियर स्टार्टिंग पर है, ज्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं है, लेकिन बतौर बल्लेबाज उन्होंने भारतीय टीम के लिए मैच पलटने वाली दो पारियां हाल ही में सिडनी में खेली। और इकलौते ऐसे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिनका इंग्लैंड में भी शतक है और जिनका ऑस्ट्रेलिया में भी शतक है। यही वजह है कि ऋषभ पंत की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, यही वजह है कि एमएस धोनी अपने चेले को पूरे तरीके से सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में धोनी के सिखाए हुए गुणों को क्या ऋषभ पंत पूरे तरीके से फॉलो कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।